सिवान से है, जहां 16 मार्च 2020 से हत्याकांड में फरार अभियुक्त प्रमोद कुमार सिंह को जहां टाउन थाना सिवान की पुलिस अब तक तलाश नहीं सकी है, वहीं दूसरी ओर हत्याकांड का नामजद अभियुक्त प्रमोद कुमार सिंह बतौर थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर पद स्थापित है। वहीं दूसरी ओर अपने पति की हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने वाली विधवा महिला धर्मावती देवी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। बता दें कि 16 मार्च 2020 को जीवी नगर थाना क्षेत्र के गौर कथक गांव निवासी स्वर्गीय लाल बहादुर राउत की पत्नी धर्मावती देवी ने टाउन थाने में अपने पति की हत्या के मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं विधवा महिला धर्मावती देवी ने इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें इस बात को उल्लेख किया है कि थाना प्रभारी सिवान के जीवी नगर के थाना अध्यक्ष के रूप में पदस्थापित है, जबकि वह हत्याकांड के मामले में नामजद अभियुक्त है। इतना ही नहीं, महिला ने मुख्यमंत्री को इस बात की भी जानकारी दी कि थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह के द्वारा आए दिन केस उठा लेने का दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में महिला ने इस सवाल को भी उठाया है कि पुलिस महानिदेशक के कथन अनुसार किसी भी दागी को थाना अध्यक्ष नहीं बनाना है, तो आखिर किस परिस्थिति में प्रमोद कुमार सिंह को जीवी नगर थाना के अध्यक्ष के रूप में पदस्थापित किया गया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया है कि बहुत पुराना मामला है, केस अभी का खत्म हो चुका है, किसी के कुछ लिख देने से केस नहीं बन जाता। वहीं सिवान पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार ने बताया है कि यह मामला संज्ञान में नहीं है। जीवी नगर के थाना प्रभारी के विरुद्ध टाउन थाना में FIR दर्ज है, इसकी जांच कराई जाएगी। प्रथम दृष्टया मामले कोर्ट केस का प्रतीत होता है, जांच पड़ताल के बाद इस मामले में अगला कदम उठाया जाएगा। अब देखना यह होगा कि इसमें महिला की जीत होती है या थाना अध्यक्ष की, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। से प्रमोद सिंह अलन तो दूसरा ठा शराब उठलन लिया के हमनी के दुआर पर गाड़ी रोक दहले कहने CID से कि कैसे गाड़ी रोक दहलन तो राहुल चकुदार हमरा लैका के बतौलन जे उहे हटे गए रहे मेला तो पैसा मंगलन तो हमर लैका पैसा ना दहलस कहला जे पैसा कैसे गाछ छाड़ के लिया से जे पैसा तारा के दी तो राती खा हमरा लैका खातिर देख के दुआर पर रोक दहलो तो हमर लैका हमर मालिक सुतरन से दुआर पर हमरा लैका के लगे जाके प्रमोद सिंह खड़ा हो गए। खड़ा हो गला के बाद में उठौलन पूछलन जो तोर का नाम हो तो बता दिलक जे जुगुल तो कहता रहे जे तोरे खोजी बा। ओकरा बाद ओकरा पापा के जगैलन तो उनका से बात कलन तो उनकर तन समूह महकल तो उठा ले हले उठा के लगले साला साला गरियाए हमरा लैका के छोटका के तो उ कहल जे सर काहे गरियाओ तनी तो चटाक दे गाड़ी में प्रमोद सिंह मार दिले गाल में आ मार के आयती है। ओकरा बाद हमार मालिक कहलन ओकर पापा जे सर काहे मार तनी तो उनको के मार ले मार के आ दोनों जना के बैठा लो। ओकरा बाद घर में ढुकल लो तो हमारा बड़ वाला लैका के निकाल ले लो घर में से निकाल के आ लेके चल गल थाना पर। ओकरा बाद में हम सवेरे गईनी तो रहुला के लगे तो रहुला कहता 70,000 रुपया दिवाव तो छोड़वाव तनी तो कौन सा ठीक बा आओ छोड़वाओ तोरा के 70,000 रुपया दियाई। जब 70,000 रुपया पर हमनी के खड़ा भैनी स तो अथी थाना पर गनी से तो कहत जो 70,000 पर ना छोड़ी हैं 1,20,000 रुपया मांगत रहें तो हम कहन जो हमारा सकान नहीं कि 1,20,000 रुपया देवे के 1,20,000 रुपया हम ना सकनी तो तीनों जना के चलान कर दिले मारपीट के थाना पर से चलान कर दिले। चलान कैला के बाद में हम सिवान गनी नकल निकलनी नकल निकाल के आ ले कहनी तो जेलो में पुलिस मर लड़ल स आ मार के आ बाद में निकाल दिल से तो हम मुलकाती पर अपना लैका के बोलन तो हमारे लैका कहल जो माई सदर में पापा के निकाले के कहत आलो तो हम कहें बबुओ न तावे दिए सदर में से वही में सुई दवाई करई है तो कहत आज ना तो हमारे लगे मुलकाती में आई रहे तो निकाल दिल रहे लो। निकलना के महजूद हमारा लगे फोन गल घर से जे रास्ता में देख लो जे हाँ इनका के ले जाता रहे सब मारते तो हमारे लगे फोन गल तो हम सदर में गनी दौड़ल तो सदर में ना लिया रहे से अभी तो हम फिर चल गनी कोर्ट में फिर कोर्ट में से हम आनी सदर में तया के बेड पर पटाई रहन तो हम ढुकनी तो हमारा से केरा मंगलन तो हम केरा सेव किन के खियौनी खियावला के महजूद में डॉक्टर पानी चढ़ावे लागल पानी चढ़े लागल ओकरा बाद उनका देह में बेचैनी होखे लागल तो हम हाथ गोड़ चारू बांध दिलन सर बांधला के महजूद हम मोने कहन जे सर हाथ गोड़ मत बांधी लो ना तो अथी मर जे हनुमान तन जे कबू भेंट उठ नहीं के भैल अटैक हो जा तो हमरा के एक मुका मार के सिपाही निकाल दिल सदर में से आ सदर में से निकाल के कहत जो महिला थाना के तरह के बुला के धरवा दे भेजवा दे त
तो हम कहन जे ठीक बा इतना हमरा एति नहीं खे जे हम एति पागल हो गल बा एकरा के खोलम सतई लोग के घात क दी त कहनी हम जे ठीक बा उ घात क दिहन त हम रहत अनिनु हमरा के तू हथ कड़ी लगा दिहलो ई अगर भाग जे हे त ना छोड़न स हमरा के मार के बाहर निकाल के चहेट देलन स हमरा के ना रहे देलन स हमरा घरे आ गला के बाद में मार के लो जान ले ले हल्लो चारू हाथ गोड़ बांध के त हम ओकरा बाद में हमरा लगे 12 बजे राति खा जेलर आइल 12 बजे राति खा जेलर आइल त हमरा घर पर आयल त हम डर के मारे हट गनी घर छोड़ के जे कान जब हमरा के धके ले जाय कि का करी त एथी एजू ना बतौलस केहू से जे उ डेट कइले बाड़न आयल सब बुलाय कहस का से जे तीनका के लिया जाय के बा पाटना उनकर सीरियस तबियत खराब बा त हम डरे हट गनी अपना घर से त हमरा लड़की से चौकीदार पूछलन स जे तोर मम्मी कहाँ बिया त हमर लड़की बोल देलक जे हमर मम्मी नहीं के कहाँ गइल बिया ओकरा बाद एजू से जाके मुखिया से साइन करा लेलन स हमनी के बिना जनवले आ मुखिया से साइन करा के आ ले जाके आ एथी लेके चल गलन स त थाना पर चौकीदार गल चौकीदार के मालूम भइल त एथी है बजरहिया वाला रजेसर चौकीदार फोन कलन तब हमनी के जुगिया उमेश के लगे फोन कलन दूसरा के लगे तो हमनी के मालूम भइल त हम रोवत रोवत पीरियड में एजा से ढर ढिमलात गइल बानी त हमरा के रास्ता में से गाड़ी पर उठा के त लेके गइल बाड़े से सिवान सिवान गइल बाड़न स त वहीं हाथ गोड़ बांधले बा हमनी के गल बन सत हमनी के रोए गाय में लागल बन सत हमनी के गांव के लोग चुहपल बा सिवान सदर हॉस्पिटल अस्पताल में त सारा लोग बिटराइल बा तो किस करने के? हम केस करने के लिए प्रमोद सिंह पर केस कैले बानी राहुल चौकीदार पर केस कैले बानी जेलर पर केस कैले बानी सिपाही लोग पर जेलर बतहन जो जौन जौन सिपाही हाथ गोड़ बांधलस ओ सिपाही के हम कहनी जे लिया के खड़ा कराओ हम चिन्ह तनी सदर अस्पताल में जे हाथ गोड़ बांधलस तो हम ओकरा के चिन्हले बानी ओकरा के देखले बानी बोला के लिया जे हम देखी तो जेलर साहब ना लियलन हमरा सामने बोला के तो सिपाही लोग पर केस बा जेलर पर केस बा चौकीदार पर केस बा पर थाना पर तरवारा जीवी नगर थाना पर प्रमोद सिंह पर केस बा तो हम केस कहनी तो अभी तक ले केस के कोनो सुनवाई ना भई इतना दिन हो गल दू बरस हो गल केस के अभी तक ले कोनो सुनवाई लो नहीं खेलो करत हमार धर्मावती देवी आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को मोबाइल नंबर 7462862592। गत 5 वर्षों से सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला एकमात्र शैक्षणिक संस्थान फिरजी क्लासेस। हमारे यहाँ सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। नया बैच प्रारंभ है, शीघ्र संपर्क करें। पता मेन रोड बसंतपुर सिवान, मोबाइल नंबर 7781025766। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को मोबाइल नंबर 7462862592।